नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जैसा कि इस वीडियो के पहले आप लोगों ने इसी चैनल पे देखा होगा कि यहाँ किस प्रकार से बड़े बन कितना बड़ा गड्ढा था और इस गड्ढे में काफी लोगों को चोटें भी आई थी। उस दिन जब ये रिपोर्ट लगी दिखाई गई, शायद प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पे कुछ गिट्टियाँ गिराई गई हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी गड्ढा समतल हुआ है, लेकिन जिम्मेदार की अधिकारियों की जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके कुछ तो समझ में आया होगा कि वाकई में बड़े बन में जो बस्ती का ये बड़े बन चौराहा है, जिसको बस्ती डुमरियागंज मार्ग भी कहते हैं, वहाँ पे दिक्कतों को समझते हुए कुछ चीजें तो की गई है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ की जो व्यवस्था है, जो रोड का हालात है, वो अभी भी सही तरीके से सुधरा नहीं है। और जिम्मेदार अधिकारियों को फिर बताना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो रातों रात घंटों घंटों में रोड बनके तैयार हो जाता है, लेकिन उन जिम्मेदार अधिकारियों को आम लोगों की बातें क्यों नहीं सुनाई देती हैं, आम लोगों की तकलीफें क्यों नहीं दिखाई देती हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से अभी फिलहाल अगर कोई बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री इसी रोड से अगर आए तो इसी दिन कुछ घंटों में ये रोड बनके तैयार हो जाएगा। कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा कि अभी भी बड़े बन के रोड दिखाने के बाद यहाँ पे कुछ तो सही हुआ है, लेकिन अभी भी जल जमाव और किस तरीके से यहाँ की अभी पूरी सड़कें हैं, अगर कुछ और भी यहाँ पे गिराया गया होता, किसी और भी बराबर की गई होती तो शायद ये फिलहाल कितना भी काम किया गया है, कुछ तो सराहनीय कार्य किया ही गया है बस्ती प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। हो सकता है जिसकी भी आंखें यहाँ तक आई हो, जिसकी भी नज़र यहाँ तक पहुँची हो बड़े बन के इस गड्ढों में, उनका तहे दिल से इसी चैनल पे धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से यहाँ पे गड्ढे हैं, ये पानी देख रहे हैं आप, ये पानी दिखाइएगा, पानी अभी भी सड़क पे पानी और कचरा बहुत साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ चीज़ें तो सही थी, तो जाते कहते उसको भर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो गड्ढे अभी बाकी रह गए हैं उसको भी भरने की जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों की है जो उस गड्ढे को भरे हैं। इसी चैनल पे दिखाने के बाद अगर उनकी नींद टूटी है तो ये भी जो अभी गड्ढा बाकी रह गया है उनके नज़रों में ये भी गड्ढा ही दिखना चाहिए, क्योंकि अभी भी गड्ढा है। अगर चैनल पे देखने के बाद वो गड्ढे भरे गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे गड्ढे अभी भी मौजूद हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, उन कर्मचारियों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है जो इससे पहले इस गड्ढे को आके भर के गए, लेकिन जो उच्च अधिकारी रहे होंगे उनको बता दिया गया होगा कि गड्ढे भर दिए गए हैं, बराबर हो गए हैं, अब कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन आज फिलहाल जिस प्रकार से सैटरडे है और आज तहसील दिवस और थाना दिवस के मौके पर फिर यहीं से अधिकारी गए होंगे, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अभी कितना बारिश हुआ है वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर और भी बारिश, जिस प्रकार से बारिश का मौसम है और बारिश होगी तो यहाँ पे पुनः गड्ढे होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल बस्ती के अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नाक के नीचे अधिकारियों के नहीं दिखाई देगा तो शायद गांव के हालात और लोगों के हालात और आम लोगों के हालात पे वो कैसे पैनी नज़र रख सकते हैं। फिर भी इस पे जैसा भी आप लोगों का विचार होगा ज़रूर बताइएगा, इतना ही काम करने के लिए भी उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है या खुद भी वो संज्ञान लेके अगर ये सारे चीज़ें ये गड्ढों को भरवाते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, अगर नहीं तो भ्रष्टाचार लिप्त अगर अधिकारी ऐसे ही रहेंगे तो शायद बस्ती का भला नहीं होगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।